औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम बार बार इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं ताकि आपकी भरपूर मदद भी की जा सके, और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दुख तकलीफ है तो उसके लिए भी आपकी मुकम्मल हेल्प की जा सके। एक दफ़ा ज़रूर हमसे राबता करें, आपका मसला इंशाल्लाह ज़रूर हल होगा। आज मैं अमल आपको बताने लगी हूँ बहुत प्यारा है ये, जो मुसख़्खर कल्ब को करने के लिए ये अमल मैं आपको बताने लगी हूँ। कम से कम 3 रोज़ का ये अमल है, और दिन हो जुमे का, वक्त हो इशा का, फ़र्ज नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। फ़र्ज नमाज के बाद, इशा की जब फ़र्ज़ पढ़ लें ना तब ये आपने अमल करना है, ठीक है। इशा की जब फ़र्ज़ पढ़ लें तब ये अमल करना है। चांद की इब्तदाई तारीखों में ये अमल करना है, यानी नौ चंदी पीर हो, नौ चंदी जुमा हो, नौ चंदी इतवार हो, नौ चंदी जुमेरात हो और नौ चंदी बुध हो, इन दिनों में आपने ये अमल करना है। तो अमल बहुत तेज़ी से जो है अपना असर रखता है, ठीक है, ये आपने करना है। 21-21 मरतबा जो मैं आपको दुरूद बताने लगी हूँ वो आपने पढ़ना है, और पढ़ने का तरीका भी आपको समझाने लगी हूँ, ज़रा गौर से सुन लें, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मुहम्मदिन, आगे पढ़ना है या हयू या कयूम। देखें फिर एक दफा सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन व अला सैयदना मुहम्मदिन या हयू या कयूम, ठीक है। इसके बाद या हयू या कयूम जब आप पढ़ेंगे ना, इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, ठीक है, और जिसको आप तलब कर रहे हो शुरू में, यानी दुरूद जब पढ़ने लगोगे ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन, इससे पहले अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, ठीक है, और आला हुब, उसके बाद आप पढ़ेंगे दुरूद, उसके बाद पढ़ेंगे, जब या हयू या कयूम पढ़ेंगे ना आप, तो फिर आपने क्या पढ़ना है, जिसको मुसख्खर किया जा रहा है ना उसका नाम और उसकी वालदा का नाम, ठीक है, 21-21 बार आपने पढ़ना है। और पढ़ना कब है, इशा के फर्जों के बाद, ठीक है। मैं दोबारा इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल परेशानी ना हो, ये आप ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आप जिसके लिए अमल करेंगे आपका प्यारा आप तक पहुँच जाएगा, दूर है तो रब्ता इंशाल्लाह करेगा। अमल को तरीके से करें, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है, जब भी आप अमल के लिए बैठें कपड़ों का ख्याल रखें, जो पहले दिन अमल में कपड़े इस्तेमाल किए वही कपड़े पहने, तस्बीह भी वही हो, अतर भी वही हो, जाय नमाज भी वही हो, बैठने की जगह भी वही हो, टाइम में मुकर्रर एक सेकेंड भी कम ना हो, तो अमल देखिएगा किस तरह आपके काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें आपके प्यारों को मिलाने के लिए तो ज़रूर हमसे रابطہ करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।